क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन. एक्सप्लेन द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, डिस्क्राइब ब्रीफली द केसेस वेयर दिस थ्योरी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो बेसिकली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इन्हें हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बुलाते हैं. यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, जहां ना तो कोई ऑफर था ना कोई एक्सेप्टेंस थी, बट इम्प्लाइडली, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं थी. दीज कॉन्ट्रैक्ट आर बेसिकली इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और इसमें दोनों पार्टीज बाइंडिंग हो जाती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. और क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के काफी हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स होते हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं, वो होते हैं, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है. और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता हुआ, ठीक है, एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट जैसा है और इट इज एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट. तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय अ कोर्ट ऑर्डर, नॉट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय द पार्टीज. तो ये कोर्ट द्वारा आपको ऑर्डर करा गया, इसे पार्टीज द्वारा नहीं बनाया गया कहीं पर भी. एज देर इज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. फीचर क्या होती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, सबसे पहली बात कि किसी पार्टी का कोई राइट अराइज होता है कुछ पैसा देने के लिए, और जो राइट इम्पोज करा जाता है किसके द्वारा इम्पोज करा जाता है, कोई प्रिविटी नहीं होती, मतलब कोई रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, बस राइट इम्पोज कर दिया गया लॉ द्वारा. और जो राइट होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन के अगेंस्ट होता है. कुछ प्रोविजंस है, उन प्रोविजन को जब हम समझ जाएंगे तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. यानी कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है और एनफोर्सिबल हो जाता है. सबसे पहला है नेसेसिटी टू द इनकेपेबल पर्सन. इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन द्वारा किसी इनकेपेबल पर्सन को, जैसे कि ल्यूनेटिक को या अनसाउंड माइंड को या फिर माइनर को, कुछ नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाई करे जाते हैं, तो ऐसे केस में जो भी पर्सन उन्हें नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाई कर रहा है उसके पास ये राइट है कि वो उस अनसाउंड माइंड या ल्यूनेटिक या चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसमें से उस खर्चे का पैसा रीइंबर्स करने का राइट रखता है. यानी उसके पास ये राइट है कि वो उसे क्लेम कर सकता है. तो इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि ए जो है वो एक ल्यूनेटिक पर्सन है, बी उसको फूड क्लोथिंग जो भी नेसेसिटीज होती है, नेसेसिटी डिफर करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि कौन सी पार्टी है. तो जो भी नेसेसिटीज होती है उसमें जनरली फूड क्लोथिंग एजुकेशन ये सब चीजें आती हैं. लग्जरी चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं इसके अंदर कि आप BMW दे दो या सब चीजें दे दो, सोना दे दो, ये सब चीजें नहीं इंक्लूड होती. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इनकेपेबल पर्सन को किसी पार्टी द्वारा नेसेसिटी सप्लाई करी जाएगी, जैसे ए एक ल्यूनेटिक पर्सन को नेसेसिटी सप्लाई करता है जो भी उसकी नेसेसिटी होती है लाइफ की, जो कंडीशन टू लाइफ के लिए जरूरी होती है, तो ऐसे केस में ए पर, ए के पास ये राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी पर, जो ल्यूनेटिक है या फिर अनसाउंड माइंड है या माइनर है, उसकी प्रॉपर्टी से अपने खर्चों को रिकवर कर सकता है. ये राइट उसके पास ऑटोमेटिकली. अब यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर करा गया था माइनर ल्यूनेटिक अनसाउंड का किसी के द्वारा, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे माने जाते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं. इवन कई बार ऐसा कहा जाता है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, लेकिन यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से वैलिड माने जाते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिन्हें कोर्ट ने खुद इन्फोर्स करा है. तो सबसे पहला हो गया नेसेसिटी टू द इनकेपेबल पर्सन. इसमें क्या एसेंशियल होती है, सबसे पहला पर्सन सप्लाई नेसेसिटी टू द ल्यूनेटिक माइनर, इन सबको, अनसाउंड माइंड को, कोई पर्सन जो है वो कुछ सप्लाई करता है नेसेसिटी. नेसेसिटी जो सप्लाई होनी चाहिए वो उसकी कंडीशंस ऑफ लाइफ के लिए जरूरी होनी चाहिए. यानी लग्जरी नहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, गुड्स हो गए, क्लॉथिंग हो गई, सब चीज जो मेन एजुकेशन लिटरेसी के लिए जरूरी है. कई बार बच्चे के लिए साइकिल और ये सब चीजें, वॉच देना भी उसकी नेसेसिटी का पार्ट बन जाता है, लेकिन आप उसे लग्जरी चीजें नहीं अफोर्ड दोगे उसके लिए. उसके बाद जिस पर्सन द्वारा सप्लाई करा जाता है वो ये एंटाइटल करता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, पर्सनल उसके ऊपर लायबल नहीं बनता. यानी अगर वो माइनर जो है मेजर हो जाएगा तो वो कमाकर उस पर्सन को सारे पैसे देगा, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ प्रॉपर्टी पर ही राइट बनता है, ये बात भी कोर्ट ने क्लियर कर रखी है. सेकेंड पॉइंट है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द अदर. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का घर खरीदा, ठीक है ना, बाद में पता चलता है कि इसने 3 महीने का बिजली का बिल नहीं भर रखा था और बिजली काटने वाले आ गए. उस टाइम तो बी ने क्या करा, क्योंकि बिजली काटने से रोकना है तो बी ने वो पेमेंट क्या कर दी, बिजली कंपनी को दे दी. लेकिन बी के पास ये राइट है कि वो ए से वो पैसा क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, बेशक उनके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. दिस कॉन्ट्रैक्ट आज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें क्लियर है कि इस डेट को सेल डीड हुई थी आपकी या इस डेट को ये घर बिका था, इससे पहले का जितना भी बिजली बिल बनता था वो उसके जो ओरिजिनल ऑनर था उसको पे करना था, तो ये प्रूफ करा जा सकता है. तो कहीं ना कहीं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें किसी और के बिहाफ पर पेमेंट किसी और ने कर दी, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें कि ए ने कोई पेमेंट करनी थी बी को, तो उसकी पेमेंट जो थी वो बी ने कहा कि कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ. सी कहता है बी के बिहाफ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो बाद में जो है सी जो है वो बी से उस पेमेंट को रिकवर कर सकता है, ठीक है ना. थर्ड है हमारे पास इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ द नॉन ग्रेटिटस एक्ट. नॉन ग्रेटिटस एक्ट होता है कि आपने
बिना किसी पेमेंट के कोई बेनिफिट एंजॉय कर लिया. फॉर एग्जाम्पल ए हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने कहीं से अमेजोन से कोई ऑर्डर करा, ठीक है ना. थोड़ा सा एड्रेस में कंफ्यूजन के कारण, या वैसे एड्रेस के कई बार और भी घर होते हैं कि जैसे मान लो ए और बी का कुछ क्लॉज होता है सब चीजें, तो वो किसी गलत घर में जो है वो देके चला गया, गलत फ्लोर में वो देके चला गया, और वो उस दी गई चीज को क्या करने लग गए, इंजॉय करने लग गए, या कोई फूड डिलीवर करके गया था तो वो फूड खा जाते हैं. तो ऐसे केस में उनने कोई पेमेंट नहीं करी थी, यानी से बोलते नॉन ग्रेटिट्यूड, और वो उस चीज का बेनिफिट उठाते हैं. तो जो भी डिलीवरी बॉय था वो उनसे उस चीज को रिकवर कर सकता है या उसके पैसे रिकवर कर सकता है, और फिर ओरिजिनल ऑनर को वो चीज सप्लाई करने का राइट रखता है. तो यहां पर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आ गया, ऐसे बोलते हैं हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना. तो एक मान लो कि ए गलती से बी के घर पे कुछ गुड्स रख गया या गुड्स दे गया जो कि उसके नहीं थे, तो बी के पास ये राइट है कि वो ए से उसको रिकवर कर सकता है, क्योंकि ए ने उसको कोई पेमेंट नहीं करी थी इसके रिस्पेक्ट में. थर्ड होता है फाइंडर ऑफ, फोर्थ है आपके पास फाइंडर ऑफ अ गुड. अगर मान लो किसी को भी कोई चीज मिल जाती है, तो वहां पर ट्रू ऑनर और फाइंडर के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फाइंडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी उसे ट्रू ऑनर मिले तो ट्रू ऑनर उससे वो चीज क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, क्योंकि वो उसका असली ऑनर नहीं है. फाइंडर ऑफ अ गुड को बिल्कुल बेलर की तरह प्रॉपर्टी को संभाल के रखना होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, और जो भी उसके खर्चे होते हैं उसको ध्यान करने में और ट्रू ऑनर को ढूंढने में, वो ट्रू ऑनर से क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और ट्रू ऑनर जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो फाइंडर से रिकवर कर सकता है. हाँ, कुछ केसेस में जो फाइंडर होता है वो उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है. दो सिचुएशन ऐसी हैं. पहली बात यह कि अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है जो पेरिशेबल नेचर का है, जो जल्दी खराब हो सकता है, तो ऐसे केस में फाइंडर क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है. सेकंड, अगर फाइंडर के द्वारा इतना ज्यादा खर्चा कर दिया गया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू का 66% से भी ज्यादा खर्च हो चुका है, यानी 2/3 से भी ज्यादा खर्च हो चुका है, तो ऐसे केस में भी फाइंडर क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है. अदरवाइज फाइंडर के पास ये राइट नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को बेच दे, उस प्रॉपर्टी की देखरेख करे और उसका रीजनेबल ऑनर ढूंढे. यहां पर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जैसे उसका ट्रू ऑनर मिले उसको वो प्रॉपर्टी वो वापस कर दे. तो यहां पर भी किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, इनके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ट्रू ऑनर के पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उससे रिकवर कर सकता है. पांचवा है मनी पेड बाय मिस्टेक. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 2,000 रुपए देने थे, गलती से वो 3,000 रुपए दे गया, तो ए जो है उसके पास ये राइट है क्योंकि उसने बाय मिस्टेक उसको वो पैसा दे दिया, तो वो उससे वो पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर कुछ अथॉरिटी आती है, कोई भी एमसीडी अथॉरिटी आती है, और वहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है, कोर्जन का इस्तेमाल करके, यहाँ पर यह कि इलीगल मींस का इस्तेमाल करके उससे वो टैक्स वसूल कर ले जाती है, लेकिन बाद में एमसीडी वालों को ये क्लियर हो जाता है कि जो ये टैक्स है, ये पर्सन जो था ये प्रॉपरली अपने टैक्स भर रहा था, तो बी के पास ये राइट है कि वो एमसीडी से वो पैसा रिकवर वापस कर सकता है. तो बाय मिस्टेक या फिर कोर्जन का इस्तेमाल करके अगर किसी ने मनी दी है तो उसे रिकवर करी जा सकती है. तो दीज आर द 5 सिचुएशंस जब आपके पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब किसी पर्सन द्वारा किसी को नेसेसिटी सप्लाई करी जाती है जो कि ल्यूनेटिक होगा, इनकेपेबल पर्सन को अगर नेसेसिटी सप्लाई कर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पर उनका राइट बन जाता है. सेकंड, किसी के बिहाफ पर किसी और द्वारा पेमेंट करे जाना, जैसे फॉर एग्जांपल ए द्वारा बी का घर खरीदा गया, बी ने बिजली का बिल नहीं भरा था, ए ने पे कर दिया, तो फिर बाद में वो बी से उसको रिकवर कर सकता है. फिर है इंजॉइंग नॉन ग्रेटिट्यूस, इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अदर, किसी और का बेनिफिट खुद इंजॉय कर लेना जो कि आपका नहीं था, आपने उसकी पेमेंट नहीं करी थी, तो बाद में आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी या वो प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी. फाइंडर ऑफ द गुड और लास्ट मनी पेड बाय मिस्टेक और कोशिश.